योगी के रडार पर अब आ गए हैं यूपी के सट्टा माफिया। अवैध कमाई वाले माफियाओं में मच गया हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद का सट्टा किंग मोहम्मद अजीम के खिलाफ योगी की पुलिस का बड़ा एक्शन। सट्टा किंग मोहम्मद अजीम को था नवाबों वाला शौक, करोड़ों के बंगले व कबूतर रखने वाला पिंजरा भी लाखों का। योगी की पुलिस ने सट्टा किंग के आलिशान बंगले पर मारा कुर्की का छापा और जब्त किया लगभग 2 करोड़ की बेशकीमती सामान। मुरादाबाद के थाना कोतवाली इलाके की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद सट्टा माफिया किंग मोहम्मद अजीम के खिलाफ संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। सट्टा माफिया अजीम के खिलाफ मर्डर लूट सहित 36 मुकदमे मुरादाबाद जिले के थाने में दर्ज हैं। अजीम इस समय सट्टे की खाई बाड़ी के अलावा अन्य कई मामलों में जेल में बंद है। कल दोपहर के समय भारी पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में रखा सामान जब्त कर लिया। ये कार्रवाई लगातार चल रही है। इस कार्रवाई के दौरान आलिशान मंजिल के अंदर सभी सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अजीम को पक्षी पालने का भी बहुत शौक है। मौके से पुलिस ने ऊंची परवाज वाले कबूतरों को भी अपने कब्जे में लिया है जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मानवता के आधार पर घर में रह रही बीमार माँ को इलाज के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अजीम की 2,29,00,000 की अनुमानित संपत्ति है। संकरा गली में बना 4 मंजिला मकान काफी आलिशान है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला अजीम पुत्र अब्दुल सलाम के विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। इस संबंध में मुकदमा नंबर 80/2022 थाना नांगभन्नी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था। इसमें 14-1 की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उसकी जो संपत्तियां हैं उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो सर किस तरीके का प्रोफाइल है इसका, यहाँ पे जो है किस तरीके? ये एक सातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध 37 मुकदमे कायम हैं और ये सट्टा माफिया है। तो कितने दिन से इसका कारोबार फल फूल रहा था? ये काफ़ी वर्षों से इसका कारोबार फल फूल रहा था। तो किस तरीके से ये जो कार्रवाई करता था, सट्टे की कार्रवाई किस तरीके से अपराध? इसका अपना एक पूरा नेटवर्क है, उसके साथ लोग काम किए गए हैं, वो उसके गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में सम्मिलित कर लिए गए हैं। अन्य स्तर से विवेचनात्मक कार्रवाई पिछले थे जिनमें जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये अपराधियों से बचने के लिए इसने जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज भी इंस्टॉल कर रखे थे सर, गली में जगह जगह जिस तरीके से पुलिस पहुंचती थी तो उससे बच पाए। ये उसका अपना प्रयास था लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ की और कठोर कार्रवाइयाँ कर दी। सर कितनी रिकवरी, कितने की रिकवरी इससे अभी? आज 2,29,00,000 के लगभग संपत्तियाँ जो हैं जो चिन्हित कर ली गई हैं उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है। तो ये पूरा एक मकान है इस आलिशान? हाँ पूरा मकान है, 4 मंजिला बढ़िया सा मकान बना है, आपने देखा होगा। बिल्कुल आलिशान सुविधाओं से पूरा मकान? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करें, सुविधाओं से। उसका मूल्यांकन उसी अनुपात में कर लिया गया। तो अपनी टीम की पुलिस बल लगा दिए गए हैं इसमें कार्रवाई? हाँ, पुलिस थाना कोतवाली के कोतवाल अजय मौके पर मौजूद है और कार्रवाइयाँ संपादित करा रहे हैं। सर इसमें कुछ मकान के अंदर जो कुछ बीमार भी कुछ सदस्य पाए गए थे, कुछ जानवर भी थे उसमें? जो उसकी मदर के संबंध में जानकारी हुई थी तो जिला अस्पताल से चिकित्सक को बुला के उनको उपचार दिला दिया गया है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ पक्षी भी उसके घर पे मिले हैं? हाँ, पक्षियों के बारे में भी जानकारी दी गई तो उसके संबंध में बताया गया कि जो हमारे फॉरेस्ट अधिकारी है उनसे संपर्क कर लिया जाए, अगर कोई आवश्यकता तो उनकी मदद ली जाए।